आज जिस तरह मतलब ये आप देख रहे हो कि बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है पूरे जोर से, और हम यहाँ पे हमारे आंदोलनकारी मतलब सोए हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम इस बारिश के मौसम में हमारे सभी किसानों का पता करें कि हमारे किसी किसान को, किसी मतलब मजदूर को, किसी यहाँ पे बैठे हुए आंदोलनकारी को किसी तरह की कोई मुश्किल समस्या तो नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पे मतलब ये आए थे स्टेज पे और इस यहाँ पंडाल में, और इसके बाद हम पीछे पूरे के पूरे मोर्चे में हमारी ये प्रयास है कि हम यत्न करेंगे कि सभी किसानों के पास जाया जाए और सभी किसानों का पता लिया जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और क्योंकि आप देख रहे हो कि मौसम ख़राब है, बारिश की वजह से किसी के पास भी कोई किसी चीज़ की कमी ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए हम मतलब ये चक्कर लगाकर सभी के सभी मतलब मोर्चे में, पूरे के पूरे मोर्चे में सभी किसानों पर के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी के तहत हम यहाँ से शुरू किया है कि ये स्टेज से स्टेज पे आए थे, इधर हमारे मतलब आंदोलनकारी भाई बैठे हैं और इनका पता लिया है इनके पास मतलब कैसी व्यवस्था है, सब ठीक ठाक है, और अब आगे हम मतलब पीछे की ओर जा रहे हैं, पीछे जाएंगे हम। देखिए दोस्तों, जो हमारी सरकार की ओर से बदनाम का, उस मोर्चे को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पे कोविड है, ये या वो है, इधर उधर जो भी आदमी किसी की भी डेथ हो, किसी की शुगर के अटैक की वजह से होती है, किसी की हार्ट अटैक की वजह से जो डेथ होती है उसको भी ये सरकार, ये प्रशासन कोविड में डालने का प्रयास कर रहा है। ये हमारा हॉस्पिटल है, इसको आप चेक कर सकते हो कि एक भी पेशेंट इस हॉस्पिटल में अभी तक नहीं है एडमिट। और जो अगर हमारा यहाँ पे कोई भी एक भी पेशेंट अगर होगा, हमारा मरीज को आएगा, कोई आएगा, तो सबसे पहले हमारे मरीज को हम यहाँ, ये हमारा हॉस्पिटल है 24 आवर्स ड्यूटी देने वाला, हमारा ये किसान मजदूर एकता हॉस्पिटल है, ये खुद का बनाया हुआ यहाँ पे हेल्प देने के लिए बना हुआ हॉस्पिटल है। इसमें एक भी पेशेंट आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या क्या निकलता है कि यहाँ पे मोर्चे में किसी तरह का कोई कोविड की कोई बात नहीं है। ये भरम फैलाया जा रहा है सरकार की ओर से, और केवल केवल से केवल इस किसान मोर्चे को बदनाम करने का एक प्रयास किया जा रहा है। ये पूरे के पूरे मतलब जितने भी बेड बनाए लिए हुए हैं, बने हुए हैं हॉस्पिटल में, सब के सब बेड खाली पड़े हैं, और हमारी व्यवस्था की हुई है लोगों के लिए, अगर किसी को कोई तकलीफ आएगी भी तो उसके लिए हमने मतलब ऑक्सीजन देने वाली मशीन का भी अरेंज किया हुआ है इस हॉस्पिटल में। और मैं फिर से आपको कहूँगा कि सरकार की इन चालों, इन बातों से आगाह कर रहा हूँ आपको, आप सचेत रहें, सचेत होएं, और इस बात को पूरा ध्यान देकर सरकार की इन चालों को काटते हुए इस आंदोलन को मजबूत करने की ज़रूरत है। सरकार की इन बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा आपको सभी को निवेदन है।